हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। कैसे आप लोग? देखिए दोस्तों, यूके और बिहार सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है और क्रोनोलॉजी में भी लगाने के लिए आ जाएगा। 2017 और 18 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विदेश यात्राएं हैं कुछ इंपॉर्टेंट वो आप लोगों को बता दे रहा हूँ। कौन से मंथ में आप लोगों को याद रखना और कौन से देश में वो गए थे ये याद रखना आप लोगों की एक अच्छा हुआ, बिकॉज एग्ज़ाम में आजकल के ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो जनवरी में देख लेते हैं, दाओस में गए स्विट्जरलैंड, ठीक है, और फिर 9 से 12 जनवरी फिलीपींस, यूएई और ओमान, इन तीन देशों गए थे। आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि फरवरी 2018 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी किन तीन देशों में गए थे, या क्वेश्चन आप लोगों को चार ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इन तीन शहरों का नाम दे देगा और एक अलग दे देगा, पूछ लेगा कि इनमें से ऐसा कौन सा शहर है जिसमें वो कौन सा देश है सॉरी जिसमें वो नहीं गए, ठीक है, या फिर तीन देश अलग से दे देगा, एक वो पूछ लेगा कि अप्रैल 2018 में किस देश में गए, तीन अलग दे देगा, और एक चीन दे देगा, पूछ लेगा कि कौन से देश गए। तो अप्रैल में स्वीडन, ब्रिटेन, जर्मनी, इन तीनों के साथ ये पूरा दौर था, ठीक है, इस तरह से याद रख लेंगे। अप्रैल में 27-28 अप्रैल को चीन में गए। चीन की राजधानी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि चीन के इस टाइम राष्ट्रपति कौन है। फिर 29 मई से 2 जून के बीच का जो दौरा था इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर का था, ठीक है। सिंगापुर में ही जो उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं जिम योंगकिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे डोनाल्ड ट्रंप की अभी एक बुक पब्लिक हुई है, उस बुक का मुझे नाम बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जून में 9-10 जून फिर चीन गए नेक्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी गए थे बाद में दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में, तो ये आप लोगों को याद रखना। और रवांडा में ही हमारे भारत के जो राष्ट्रपति थे वो गए थे, उन्होंने 200 गायें भी भेंट वहाँ पर की थी, तो ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरा नेपाल, जापान, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में सिंगापुर और मालदीप, ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इन्हें एक बार देख लीजिएगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो अभी आप लोगों के लिए चीफ मिनिस्टर बने हैं उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे बात की जाए तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है, फिर भी जो अभी रिसेंटली बने हैं उनके बारे में एक बात बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए। एक तो हिमाचल प्रदेश का जयराम ठाकुर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुजरात के विजय रूपाणी है, एक बार आप शहर ही देख ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश के श्री नारा चंद्रबाबू नायडू हैं, अरुणाचल प्रदेश के फेमा कांडू, असम के सर्वानंद सोनेवाल, बिहार के नीतीश कुमार हैं, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल बने हैं, अभी नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लें। आनंदीबाई पटेल अतिरिक्त प्रभार दे रखा है, छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं। गोवा के हैं श्री मनोहर पारिकर जी, ठीक है। विजय रूपाणी गुजरात के, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हैं, हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर है, इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लग रहा है, ठीक है, सत्यपाल मलिक वहाँ के गवर्नर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर लें, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। किस आर्टिकल में जम्मू एंड कश्मीर का वो दे रखा है, तो प्लीज़ मुझे आर्टिकल बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। झारखंड, रांची राजधानी है, श्री रघुवर दास वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वहाँ की गवर्नर हैं। एक बात मुझे बताइएगा, अभी रांची से एक बहुत बड़ी योजना का जो स्वास्थ्य से जुड़ी है उसका उद्घाटन है, उस योजना का मुझे नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कर्नाटक के जो हैं HD कुमार स्वामी, वेरी इंपॉर्टेंट है। केरल पिनरई विजयन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के भी नए बने हैं कमलनाथ, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मणिपुर के एन सिंह, मेघालय के कोंडाट संगमा, वेरी इंपॉर्टेंट। और मिजोरम के भी बने हैं जोर मंग था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। श्री नेफ्यू रियो नागालैंड के हैं, नवीन पटनायक ओडिशा के हैं, पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कल्याण सिंह वहाँ के राज्यपाल हैं, तो राजस्थान के बने हैं, ठीक है। ये आप लोगों को जो भी 5 राज्यों में चुनाव हुआ है ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सिक्किम में पवन चामलिंग है, तमिलनाडु TEK पालिनी स्वामी और चंद्रशेखर राव तेलंगाना के द्वारा से बन गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। और त्रिपुरा विप्लव कुमार देव, विप्लव कुमार योगी आदित्यनाथ यूपी के, उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत और पश्चिम बंगाल के जो हैं ममता बनर्जी हैं, तो ये आप लोगों को याद रखने हैं, एक बार सारे देख लीजिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इनकी अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे, और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको टारगेट फॉर IQ
टारगेट फॉर आईक्यू सर्च करना होगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप पूछ सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं तो इसे देख लें। एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी उपराज्यपाल हैं, ठीक है। चंडीगढ़ के हैं वीपी सिंह बदनौर, प्रशासक बोलते हैं वहाँ के लिए। दमन को भी प्रशासक बोलते हैं श्री प्रफुल्ल पटेल हैं। सिलवासा दादर और नगर हवेली की राजधानी है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है तो इसको देख लीजिएगा। श्री प्रफुल्ल पटेल वहाँ के प्रशासक हैं। दिल्ली अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। श्री अनिल बैजल उपराज्यपाल हैं। और पांडुचेरी, सिर्फ दो ही राज्य हैं केंद्र शासित जहाँ पर विधानसभा हैं, दिल्ली और पांडुचेरी, तो इसको याद रखेंगे। वी नारायण स्वामी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर जो हैं वो हैं हमारे डॉक्टर किरण बेदी, IPS थी पहली और सेवानिवृत्त हैं, और उपराज्यपाल इस टाइम वर्तमान में। लक्षद्वीप की कवारती राजधानी है और श्री फारूक खान वहाँ के प्रशासक हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, जो क्वेश्चन मैंने पूछे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।